तो ये है दोस्तों हमारा 2 BHK अपार्टमेंट 1054 स्क्वायर फीट का, तो बहुत ही प्यारी इन्वेंट्री स्पेशल आपकी डिमांड पे लुधियाना सिटी में पहुंच चुके। तो आइए अंदर और आपको बताऊंगा इसके बारे में। जैसे ही आप अंदर आओगे सबसे पहले आपका आ जाता है ये बहुत बड़े साइज का लिविंग कम डाइनिंग एरिया। अगर मैं इसके साइज की बात करूं, इसका साइज रहने वाला है 17x10 का। बात करें दोस्तों सबसे पहले आपको वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए यहाँ पे बहुत बड़े साइज की मिल जाएगी विंडो। ये देखिए UPVC के साथ यहाँ पे एक बालकनी भी आपको मिलने वाली है, उसका आपको एक्सेस और सारा डिटेल बताऊंगा। तो अगर दोस्तों इसकी मैं बात करूँ लिविंग कम डाइनिंग एरिया की, ये घर आपको सेमी फर्निश मिलने वाला है। तो जितनी ये मूवेबल आइटम है ये इंक्लूड नहीं रहने वाली, सारी गेटेड सोसाइटी अमेनिटी के साथ मिलने वाला। आपको क्लब मिल जाएगा, इंडोर आउटडोर गेम मिल जाएंगी, पूल मिल जाएगा। और लोकेशन जैसे मैं आपको बता रहा, लुधियाना सिटी बिल्कुल हमारा किचलू नगर एक्सटेंशन के साथ। तो ये हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया रहने वाला है 17x10 का। तो ये आप देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे, जैसे दोस्तों हमने इस घर को कस्टमाइज करा हुआ है, आप देख रहे हैं फैंसी लाइट, हमारे ये वार्डरोब आ जाते हैं, ये आप यहाँ पे अपना टीवी पहले डिजाइन कर सकते हैं, जैसा आप इसको कस्टमाइज कराना चाहे वो पॉसिबल है। तो ये सबसे पहले आपने देखा हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया। तो ये वाली जो दोस्तों स्पेस है, ये वाली यहाँ पे हमारा एक रहने वाला है स्टोर। अगर मैं ये देखिए अभी स्टोर दोस्तों लॉक है, माफी चाहूंगा आपको दिखा नहीं सकता। इस स्टोर का जो साइज रहने वाला है, आप इसको एज ए पूजा रूम यूटिलाइज कर लें, एज ए स्टोर यूज कर लें, जैसे आपकी इच्छा है स्टोर दोस्तों। क्योंकि हमारे इंडियन घर थोड़े से आजकल दोस्तों पता है कंजेस्टेड हो रहे हैं, घर छोटे होते जा रहे हैं, पैसे बढ़ते जा रहे हैं और स्टोरेज के लिए जगह कम पड़े, तो इसको एज ए स्टोर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका देखिए आप भी ऐसे स्टडी टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया की साइज करूँ, हमारे स्टडी टेबल वाला एरिया, इसका साइज रहने वाला है 5x6 का। तो ये हमारा एंट्रेंस, इसमें देखिए आपकी प्राइवेसी बहुत अच्छी मेंटेन है, ना तो आपका पता चल रहा है किचन कहाँ है, ना हमारा बेडरूम का है आपको व्यू मिल पा रहा है। क्योंकि जैसे ही आपके कोई क्लाइंट आता है, मान लो कोई आपके गेस्ट आते हैं, तो किसी को भी आपकी किचन का व्यू नहीं है, ना ही आपके बेडरूम का। तो बहुत अच्छा दोस्तों ये मेरे को एक इसका डिजाइन है। आइए फिर आपको दिखाता हूं हमारा नेक्स्ट। ये देखिए ये हमारा फॉयर एरिया आ जाएगा, जहां से हमारे पूरे घर का रहने वाला है एक्सेस। तो जैसे ही हम फॉयर एरिया में आते हैं, सबसे पहले मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी हमारी मॉड्यूलर किचन। तो किचन दोस्तों आपको मॉड्यूलर किचन मिलने वाली, जैसे आप ये किचन देख रहे हैं। अगर मैं इस किचन की दोस्तों साइज की बात करूं, इसका साइज रहने वाला अप्रॉक्सीमेटली 8x8 का। सबसे पहले यहाँ पे हमारी आ जाएगी रेफ्रिजरेटर की स्पेस, ये रेफ्रिजरेटर इंक्लूड नहीं रहने वाला, यहाँ पे आपको इसकी स्पेस मिल जाएगी। थोड़ा सा दोस्तों ये एक्स्ट्रा AC पड़ा हुआ है, इसके बीच में देखिए आपको ये पूरी मॉड्यूलर किचन एज इट इज मिल जाएगी विद सिंक, आपका ये नॉइज प्रूफ सिंक रहने वाला है। और यहां आने वाली है हमारी ये मॉड्यूलर किचन। सबसे पहले ये देखिए डबल लैमिनेटेड, ये स्पेस आ जाएगी हमारी चिमनी के लिए। तो ये चिमनी आपको फैबर ब्रांड की इंक्लूड रहने वाली है। यहां पे हमारा एक्स्ट्रा ज्यादा हमारे वेंटिलेशन के लिए, ये हमारी एक विंडो आ जाएगी सनलाइट के लिए। तो ये बहुत प्यारा ग्रेनाइट आपका लगा हुआ है, और ये देखिए डबल लैमिनेटेड सॉफ्ट क्लोजर के साथ। ये आपकी बॉटल्स के लिए, ये देखिए पूरी किचन आपको मॉड्यूलर मिल जाएगी। सारा सॉफ्ट क्लोजर। एक बार दोस्तों आप इसको जरूर विजिट करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें। और बहुत प्यारा अपार्टमेंट बहुत अच्छे रेट में, सारी प्राइसिंग साइजिंग लोकेशन आपको पता ही है कहाँ मिलने वाली है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके जरूर चेक करें। तो यहां से हमारा एक्स्ट्रा जाता है हमारी बालकनी का, और इस बालकनी को दोस्तों आप ये देखिए बहुत अच्छा साइज है, अप्रोक्सीमेटली 8x3 इसका साइज रहने वाला है। और गेटेड सोसाइटी, आपको इसका व्यू, पूरी सोसाइटी का व्यू भी आपने देखा होगा आपकी ऑलरेडी दोस्तों, हमने हाइलाइट्स में आपको दिखा दिया है। तो चलिए फिर अब आपको दिखाता हूँ हमारे पहले बेडरूम का व्यू। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा पहला बेडरूम।
अगर मैं इस बेडरूम के साइज की बात करूँ, इसका साइज रहने वाला है 12x10.6 का। तो आप देखिए किंग साइज बेड लगने के बाद भी बहुत अच्छी स्पेस है। और ये हमारा पूरा बेडरूम का व्यू। और आप भी दोस्तों यहाँ भी देखिए, ये हमारी वॉल है जहाँ पे आप अपना टीवी पैनल डिज़ाइन कर सकते हैं, और वार्डरोब आप भी ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपकी मूवेबल आइटम इंक्लूड नहीं रहने वाली। मॉड्यूलर किचन जो आपने देखी वो आपको मिल जाएगी, वार्डरोब आपके इंक्लूड नहीं रहने वाले। तो ये देखिए, आपको एक एंगल से अगर कैमरामैन थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा दोस्तों मॉड्यूलर आपके वार्डरोब डिज़ाइन करे गए हैं। ये देखिए रूफ हाइट्स तक है, बहुत अच्छी स्टोरेज के साथ। नीचे आपके आ जाएंगे शू रैक। बीच में देखिए आपको शोकेस की आइटम आप भी ऐसे रख सकते हैं, और सेम सिमेट्री ऑलमोस्ट आपको यहां मिल जाएगी। डबल आपको शू रैक मिल जाएगा, और इसी रूम से हमें एक्सेस मिल जाता है हमारी बहुत बड़ी साइज की बालकनी का, अगेन यूपीवीसी के साथ। तो ये देखिए, और इस बालकनी की अगर मैं साइज की बात करूं, ऑलमोस्ट 15x6 के आसपास इसका साइज रहने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज। एक आपकी ग्रिल लगी हुई है बहुत अच्छी हाइट की, देखिए कोई इशू नहीं है। बहुत आपको छोटे बच्चे घर पे तो फिर भी कोई कंसर्न नहीं है। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये हाई राइज अपार्टमेंट है माईवन कंस्ट्रक्शन के साथ, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एक सेफ इन्वायरमेंट मिलने वाला है और सिक्योर मिलने वाला है। अंदर आपको बहुत बड़े बड़े पार्क मिल जाएंगे, बच्चे आपके वहीं पे इंजॉय करेंगे, हमारे बुजुर्ग इंजॉय करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। गेटेड सोसाइटी है तो कोई इशू भी नहीं है। तो यही दोस्तों बालकनी। यहाँ पे आपको देखिए वेंटिलेशन के लिए आपको एक वॉशरूम का वेंटिलेशन यहाँ पे मिलता है, और यहाँ से आपको आपके दूसरे बेडरूम का एक्सेस भी मिल जाता है। तो चलिए हम चलते हैं इसी बेडरूम में और आपको व्यू दिखाता हूँ हमारे सेकंड बेडरूम का। तो ये हमारा वही पहला बेडरूम, और इसका दोस्तों आपको जो वॉशरूम मिलता है वो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक कॉमन वॉशरूम दोस्तों डिजाइन करा हुआ है। उससे पहले यहाँ पे आपको एक ये मिल जाएगा वार्डरोब। आप ऐसा एक वार्डरोब यहां भी डिजाइन कर सकते हैं, मतलब एक आपको यहां पे एक अच्छी स्पेस निकल के आने वाली है। और ये आ जाएगा हमारा कॉमन वॉशरूम आपके गेस्ट के लिए भी और आपके पहले बेडरूम के साथ भी। अगर मैं इस वॉशरूम के साइज की बात करूं, 7x5 इसका साइज रहने वाला है। ये हमारी वैनिटी आ जाएगी, और ये हमारी दोस्तों इंग्लिश सीट आ जाएगी, यहाँ पे विंडो आ जाएगी आपकी वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए, और ये आ जाएगा हमारा बाथिंग एरिया। सारी फिटिंग रहने वाली है आपकी जैक्वार ब्रांड की ही। तो ये था हमारा पहला बेडरूम के साथ जो आपको वॉशरूम मिलता है कॉमन, और ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम। और अगर मैं इस बेडरूम के साइज की बात करूं, 12.6x11.6 इसका साइज रहने वाला है। और ये देखिए, अब इस रूम में बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत अच्छा थीम डिजाइन किया हुआ है। आपके वार्डरोब देखिए, एक तरह दोस्तों छुपे हुए वार्डरोब लग रहे हैं। ये देखिए, ये वाले वार्डरोब है, आप बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी एक्स्ट्रा एक्सेसरी के लिए आपके मोबाइल चार्जर कुछ भी आप यहां स्टोर कर सकते हैं। और नीचे आपके आ जाएंगे अगेन शू रैक, और सेम दोस्तों सिमेट्री आपकी यहां रहने वाली है, ऑलमोस्ट सेम सिमेट्री है जैसे मैंने आपको ये दिखाई, सेम ऐसे मिलने वाली है। और अगर आप टीवी पैनल की बात करें तो यहां पे देखिए, ये आपको वॉल पे अपना बिल्कुल एज इट इज टीवी पैनल डिजाइन कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आपको यहां पे मिल जाएगा हमारा एक एक्सेस हमारी उसी बालकनी का, ये देखिए यूपीवीसी के साथ। और इस रूम के साथ आपको अटैच मिलता है वॉशरूम। अगेन यहां पे सबसे पहले आपकी वैनिटी आ जाएगी, सारी फिटिंग आपकी रहने वाली जैक्वार ब्रांड की। और ये हमारी दोस्तों देखिए
यहाँ पे सेपरेशन आपका बाथिंग एरिया के साथ। और अगर इस वॉशरूम के भी साइज की बात करूं, इसका साइज रहने वाला है 7x5 का। तो ये था दोस्तों हमारा 2BHK हाई राइज अपार्टमेंट Y1 कंस्ट्रक्शन के साथ, ऑलमोस्ट दोस्तों 117 गज बन जाता है। तो गेटेड सोसाइटी, सारी अमेनिटीज के साथ, यहाँ पे आपको पूल मिल जाएगा, सारी गेम्स मिल जाती हैं, लोकेशन बहुत प्राइम, किचलू नगर एक्सटेंशन रहने वाली है, हम्बड़ा रोड और बड़ी हैबोवाल के पास। तो इसको एक आप देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप जल्दी से हमें कॉल करें, अपनी विजिट प्लान करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो जल्दी से कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।